आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर। यह लेक्चर जो है क्वालिटी से रिलेटेड है। क्वालिटी की इसके लिए अनाउंसमेंट के लिए हमने ये लेक्चर डिज़ाइन किए हैं। तकरीबन इसके पांच सेक्शन है हमारे पास, या पांच सेशन है, या पांच लेक्चर कह सकते हैं उसे आप। पांच लेक्चर के अंदर आपको कम्प्रीहेंसिव एक नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जो एक क्वालिटी के बंदे के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड होती हैं उसको अपने काम करने के लिए और अपने काम को ग्रूम करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं उसे इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहले लेक्चर से, हम अपना आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज का लेक्चर जो हम कवर करेंगे वो पहला सेशन है हमारा, या पहला लेक्चर है हमारा सीरीज़ का, पांच जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज़ है। तो आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें है, सबसे पहले हम क्वालिटी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो उसमें एक्सपर्ट्स की भी डेफिनेशंस हैं बहुत सारी क्वालिटी के हवाले से, और जो एक अंडरस्टैंडेबल आप लोगों के लिए जो है वो जो क्वालिटी की डेफिनेशन से या तारीख वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। स्टिच की टाइप पढ़ेंगे हम आज, और आज एसेसरीज़ पढ़ेंगे हम गारमेंट के अंदर जो एसेसरीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। व्हाट इज़ क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी किसे कहते हैं, या क्वालिटी का क्या मतलब है, तो ये आज स्टार्ट करते हैं हम इससे। क्वालिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स की भी देख सकते हैं, कारुशी कावा जो बादी हैं क्वालिटी के, तो उनकी भी देख सकते हैं आप लोग। मगर ये बिल्कुल छोटी सी एक डेफिनेशन है जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, जो आप आसानी के साथ इससे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। द वर्ड क्वालिटी हैज़ मल्टीपल मीनिंग बिलो आर द सम एग्जाम्पल। कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर काम करना बेसिकली क्वालिटी है। कस्टमर की दी हुई स्पेक्स पे काम करना, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, वो है आपकी क्वालिटी। दूसरी जो मीनिंग है इसकी, कि कोई भी आपका दिया हुआ स्टैंडर्ड हो उसके अगेंस्ट आपने काम करना, या अपनी दी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को मवाजना करना, उसका तकाबुल करना, ये है क्वालिटी। ये दो इसकी मीनिंग्स हैं क्वालिटी की। आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं इसको, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत, डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस पे काम करना क्वालिटी है। जस्ट आप इसको याद रख लें तो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। सेकेंड जो है फिर आपका स्टिचेस की टाइप है हमारे पास। स्टिचेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, लॉक स्टिच है हमारे पास और चैन स्टिच है। लॉक स्टिच जो है बॉबिन के ज़रिए होता है, बॉबिन के ज़रिए होता है, इन मशीन्स के अंदर बॉबिन इस्तेमाल होती है। चैन स्टिच के अंदर लूपर के ज़रिए चैन बनाई जाती है, जबकि बाटेक जो होती है वो लॉक स्टिच मशीन में काउंट होती है और बहुत ज़्यादा हाई RPM की मशीन होती है। इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं बाटेक वगैरह के लिए। ये हमारे पास स्टिचेस की टाइप है। एसेसरीज़ की तरफ आते हैं, तो एसेसरीज़ के अंदर हमारे पास लेबल्स हैं, केल लेबल्स वगैरह। केल लेबल पे तमाम इंस्ट्रक्शंस वगैरह मौजूद होती है, वॉश इंस्ट्रक्शन जिसे आप कह सकते हैं, ब्लीच करना है गारमेंट को नहीं करना, आयरनिंग में आपने लो रखनी है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, और ड्राई क्लीन के लिए आपके पास डिहाइड्रेशन है और डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट वगैरह आपने इस्तेमाल करने हैं, तो वो ड्राई क्लीन में आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो तमाम इंस्ट्रक्शन स्केल लेवल पे मौजूद होती है। इसी तरीके से साइज़ लेवल पे अपन आते हैं, तो साइज़ लेवल में भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, कस्टमर टू कस्टमर चीज़ें वेरी करती हैं। साइज़ लेवल होते हैं हमारे पास कुछ कस्टमर की तरफ से, कुछ हमें इनसीम लेवल देते हैं कि इनसीम का साइज कितना होना चाहिए। थ्रेड है हमारे पास, थ्रेड कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होता है, कस्टमर को कौन सा थ्रेड रिक्वायर्ड है, लोकल थ्रेड रिक्वायर्ड है। हम रूटीन में जो घर में धागा इस्तेमाल करते हैं, ये थ्रेड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उससे क्वालिटी वाइज थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज वन कॉर्ड्स वगैरह का धागा इस्तेमाल करते हैं, इसके काउंट ज़्यादा होते हैं और वो ब्रोकन का बाइस ही मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसलिए
अच्छे क्वालिटी का धागा इस्तेमाल किया जाता है। लेदर पैच है हमारे पास, लेदर पैच भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, इसके साथ साथ वोवन पैच भी होता है हमारे पास, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। देन हम जिप इस्तेमाल करते हैं, जिपर भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। इसके अलावा इसके साथ साथ जिपर की जगह बटन टैग इस्तेमाल होता है, तो बटन टैग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। बटन्स होते हैं हमारे पास और रिवेट्स होते हैं। बटन, अभी जो आपको बटन दिखाया जा रहा है, ये इसकी नेल है और ये इसका हेड है, तो ये टू पार्ट बटन है और बाकी आपका ये रिवेट्स है। तो ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज हैं। ये आपके पास जैकेट्स में भी लग सकते हैं, लगते हैं अमूमन, और पैंट्स के अंदर भी, बॉटम्स के अंदर भी लगे होते हैं। बटन किस किस साइज़ के होते हैं, बटन की इकसाम कौन कौन सी होती है, तो हमारे पास बटन जो होते हैं वो टू पार्ट बटन होते हैं, फोर पार्ट बटन होते हैं और फ्लैट बटन होते हैं। शंक बटन को हम टू पार्ट बटन कहते हैं, इसमें हेड के साथ नेल मौजूद होती है। स्नैप बटन के अंदर फोर पार्ट होते हैं, उसमें हेड और नेल साथ होती है, और दूसरे साइड पे उसका फीमेल पार्ट होता है, उसके अंदर भी हेड होता है और उसका नेल होता है, जो ज्वाइंट होता है उसके अंदर जाके। तो इसी तरीके से इसे हम फोर पार्ट बटन कहते हैं। फ्लैट बटन जो होते हैं अमूमन टू होल भी हो सकते हैं, फोर होल भी हो सकते हैं। हमारे बुरके वगैरह अबाया के अंदर लगे होते हैं, शर्ट्स वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं, हमारे कुर्ते शलवार में लगे होते हैं, ये अमूमन फ्लैट बटन होते हैं। इसके साथ साथ इनको शंक बटन या स्नैप बटन को कई क्राइटेरिया होता है लगाने का, कि जब ये लग जाए तो उसकी पर्टिकुलर हाइट पे होना चाहिए, इसके लिए कौन सी डाई इस्तेमाल करनी है, डाई लगाने के बाद जब ये लग जाए तो इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, ये एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है। तो वो आज उसकी मेजरमेंट भी हम आज देखते हैं कि किस तरीके से इसकी मेजरमेंट की जाती है। बेसिकली कस्टमर के पास से हमें एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसे हम कहते हैं डेटा शीट। डेटा शीट में तमाम अपना साइजेस मौजूद होते हैं, उस पर्टिकुलर गारमेंट के अंदर कौन कौन से साइजेस का बटन इस्तेमाल हो रहा है, तो वो साइजेस उसमें दिए जाते हैं। और साइजेस जो अमूमन होते हैं वो हमारे पास एमएम में लिए जाते हैं। अगर एमएम में साइज मौजूद ना हो तो एक लिन के अंदर साइजेस उसके अवेलेबल होते हैं। लिन के अंदर अगर साइज आपके पास अवेलेबल है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं एमएम के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो आला है इसको चेक करने का वर्नियर कैलिपर, उसकी मदद से हम उसमें जो एक मेजरमेंट आती है हमारे पास वो एमएम के अंदर आती है, मिलीमीटर्स के अंदर आती है। तो हमें कन्वर्ट करना होता है सिर्फ लिन को एमएम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा वाई जो है वो 27 L दिया हुआ है हमारी मेजरमेंट या हमारी डेटा शीट के अंदर, तो उसे हमने कन्वर्ट करना है एमएम के अंदर। तो वन लिन जो इक्वल टू है, यहाँ पे दिखाया गया है कि वन लिन जो इक्वल टू है 0.635 cm है, और फार्मूला हमारे पास बनता है वाई। वाई जो है ये इसकी लेंथ है, आप ले सकते हैं इसको वाई जैसे मिसाल के तौर पे इसकी हाइट है बटन की, और जो एल है वो हमारा लिन है। लिन जो है हमारे पास 0.365 cm है। सोल्यूशन हम इसका करते हैं, 27 जो लिन है हमारे पास मौजूद है उसकी हाइट, उसको हम इंटू करते हैं, ज़रब करते हैं 0.635 cm से, तो हमारे पास 17 mm निकल के आता है मिलीमीटर के। बटन लगने के बाद जो उसकी हाइट होगी वो 17 mm के बराबर होगी। तो हम उसे अपने वर्नियर कैलिपर पे नोट करेंगे उसकी डिजिटल एमएम मीटर के ऊपर, उसमें जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में मौजूद होगा उसमें एमएम पे साइजेस दिखा रहा होगा कि उसकी हाइट कितनी है। जब आप उसको मेजर करेंगे तो आपको एमएम के अंदर 17 mm दिखा रहा होगा, या 0.5, 0.3, 0.2+ दिखा रहा होगा। तो इतनी हमारे पास टॉलरेंस कस्टमर की तरफ से होती है कि इतना हमारे पास अलाउड है। तो ये हो गई मेजरमेंट्स हमारी, और ये कुछ हो गई हमारी एक्सेसरीज जो हमने आज बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करी है। तो इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम दोबारा मुलाकात होगी आपसे हमारी। तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो ये वीडियोस जो हैं बड़े काम की हैं आपके लिए, और बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके लिए, इंडस्ट्री में रहते हुए, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए या डेनिम इंडस्ट्री में काम करते हुए, ये बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। तो आप तमाम वीडियोज़ को वॉच भी करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करेंगे आगे, तो इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते रहेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।